अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत इंडो नेपाल सीमा के पास बसमतिया बाजार स्थित मध्य विद्यालय सह उत्क्रमित उच्च विद्यालय की जमीन पर अतिक्रमणकारियों का अवैध कब्जा है। जमीन अवैध अतिक्रमण को लेकर विद्यालय प्रशासन के द्वारा कई बार अंचल पदाधिकारी नरपतगंज, अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज तथा जिला पदाधिकारी अररिया को लिखित आवेदन देकर अतिक्रमण मुक्त कराने का मांग किया गया, परंतु किसी पदाधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यहां तक कि ग्रामीणों ने छात्र छात्राओं की समस्या को देखते हुए पदाधिकारी को आवेदन देकर अतिक्रमण मुक्त कराने का गुहार लगाया तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से चहारदीवारी निर्माण का भी आग्रह किया गया, परंतु अतिक्रमणकारियों का साठ गांठ इतना मजबूत है कि पदाधिकारी कुछ भी करने से कई बार सोचते हैं। इस बाबत विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि चहारदीवारी नहीं होने से असामाजिक तत्वों के द्वारा हम छात्रों को परेशान किया जाता है। यहां तक कि विद्यालय ग्राउंड में कभी शीशे का टुकड़ा आदि फेंक कर हम लोगों को काफी परेशान करता रहता है। कमरा में अनाप शनाप लिख कर हम लोगों को अपमानित भी करता रहता है। इसीलिए सरकार और विभाग से हम लोग मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द विद्यालय परिसर में चहारदीवारी का निर्माण कराया जाए ताकि हम लोग सुरक्षित पढ़ लिख सके। विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक ने बताया कि चार दीवारी नहीं होने से विद्यालय में उच्च क्लास के छात्राओं को पढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि असामाजिक तत्वों के कारण छात्राओं की उपस्थिति भी कम रहती है। अररिया से रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट। क्या नाम है बताओ? कामिनी कुमारी। कितने में पढ़ती हो? कक्षा 7 में पढ़ा। कहाँ, किस विद्यालय में? विद्यालय बसमतिया। तो क्या यहाँ व्यवस्था अच्छा है, पढ़ने में सुविधा होती है? हाँ। यहाँ चार दीवारी है? नहीं। तो चार दीवारी नहीं रहने से परेशानी होती है? हाँ। तो चार दीवारी चाहिए? हाँ। आपको क्या लगता है? सर। तो क्या आप लोगों को सरकार से क्या मांग है? हम लोग के स्कूल में बाउंड्री बनवाना चाहिए। बाउंड्री होना चाहिए? यस सर। बाउंड्री होगा सर तभी प्ले ग्राउंड भी अच्छा सा होगा। तो क्या आपको अभी जो है आप लोगों को खेलने में परेशानी होती होगी? यस सर। पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा। हाँ, बहुत से असुविधाएं हैं, जैसे कि हम लोग को पानी पीने में बहुत कठिनाई होती है। चापाकल तो है, लेकिन जगह जगह पर चापाकल के पास शौचालय है जो कि अधिक गंदा भी रहता है। कोई भी बच्चे को पानी पीने में मन नहीं लगता है और पानी भी नहीं मन से पीते हैं। खाना तो अच्छा ही बनता है, थोड़ा सा प्लेट की बात की जाए तो प्लेट को थोड़ा गंदा रहता है, थोड़ा हुआ टूटा हुआ है। ये सब असुविधाएं हैं। क्या ऐसा है कि विद्यालय में चार दीवारी नहीं रहने से ज़्यादा असुविधा होती है बच्चों को? हाँ, चार दीवारी नहीं रहने से तो काफ़ी असुविधाएँ हो सकती हैं। जैसे कुछ लड़कियां हैं जिनको कि काफ़ी परेशानी होता है। हाँ, वैसे तो शायद कमी है। क्या चाहते हैं आप? एज अ पीजीटी टीचर। ये किस जिला में पढ़ता है? अररिया जिला में, प्रखंड नरपतगंज। मैडम, आपके यहाँ कितने बच्चियां पढ़ती हैं विद्यालय में? 102 लगभग टेंथ में है। अब पूरे विद्यालय में 650 से लगभग लगभग। तो यहाँ क्या आपके विद्यालय में जो चार दीवारी का निर्माण अब तक नहीं किया गया है जी। क्या ये चार दीवारी नहीं रहने से क्या आप लोग असुविधा महसूस करते हैं या नहीं? हाँ, करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सर, हमारे यहाँ मिडिल स्कूल उस पार है और हाई स्कूल इस पार है, तो आने जाने में जो प्रेयर में जो बच्चियाँ आती हैं जाती हैं उसमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जानवर आ जाते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, बीच बीच में ट्रक आ जाता है बालू लेकर के। तो हम लोगों ने कई बार प्रयास किया है, हमारे प्रधान अध्यापक सर ने कई बार प्रयास किया है इस चीज के बारे में, कई बार नपाई भी हुई है, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ पे आके काम अटक जाता है, ये हमें नहीं मालूम सर। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको प्रधान अध्यापक सर से मिलेगी। तो क्या ये अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, चहारदीवारी बनना चाहिए? जिस विद्यालय में हम लोग हैं, इस विद्यालय में कितना भूमि है? 4 एकड़ 18 डिसमिल रानी प्रभावती देवी के द्वारा स्कूल को डोनेट किया गया, जिसमें से अब हम लोगों को तो पता नहीं है कि वास्तविक में अभी इसका क्षेत्रफल कितना बचा हुआ है, कितना कोई आदमी इनक्लोज कर लिया है। इसके बारे में सीओ साहब को इन्फॉर्मेशन दिया गया था,
विभाग के द्वारा, लेकिन उस पर अभी तक विधि सम्मत कार्रवाई नहीं हुई। तो लगभग कितने जमीन पर अतिक्रमण हो जाए ये तो मैं क्लियरली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये राजस्व का मामला है, ये जब तक जमीन की पैमाइश नहीं हो जाती है तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि कितना जमीन इनक्लोज। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।